मौजें बरकरार रखने का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुख्तलिफ किस्म के अलाउंसेस के हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जारी किया गया है कि इनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और अब भी होता चला जाएगा। उसकी डिटेल है, अलाउंसेस का भी मैं आपको बताऊँगा और उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो आइए वो शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एम्प्लॉयज़ न्यूज़। न्यू अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ एक नोटिफिकेशन लेटर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि अकाउंटेंट जनरल पंजाब को लिखा गया है। सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल रिवाइज़ हुए हैं, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन का जो है वो नया पे स्केल 2022 लगा दिया गया है। लेकिन बहुत सारे जो अलाउंसेस वगैरह थे उसमें ये जो है उसको बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और अकाउंटेंट जनरल को इसके हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। बहुत बड़े बड़े अलाउंसेस हैं, जिसमें साउथ पंजाब रीएलोकेशन अलाउंस है वो वन मंथ बेसिक पे जो है वो 1/7/2022 से जो है वो जारी रहेंगे। इस तरह एग्जीक्यूटिव अलाउंस जो कि 150% है तकरीबन तनख्वाहों का, वो भी ऑन मंथली बेसिस जो है वो जारी रहेंगे और 1 जुलाई 2022 से इसको जो है वो ख़त्म नहीं किया गया बल्कि इसको बरकरार रखा गया है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अलाउंस जो है वो भी बरकरार रखा जाएगा और इस हवाले से अकाउंटेंट जनरल पंजाब को बता दिया गया है। पीपीएससी अलाउंस जो है वो भी स्टिल इंटैक्ट रहेगा 1 जुलाई 2022 को भी। एडवोकेट जनरल ऑफिस अलाउंस टू स्टाफ ओनली वो भी जो है वो इंटैक्ट रहेगा 2022 के स्केल रिवाइज होने के बाद भी। सिविल सेक्रेटरीट अलाउंस जो है जो कि 2018 का नोटिफिकेशन है वो भी जारी रहेगा। स्पेशल जुडिशल अलाउंस जो कि 2021 में दिया गया था वो भी जारी रहेगा। स्पेशल जुडिशल अलाउंस जो कि 2021 का नोटिफिकेशन है वो भी जारी रहेगा। गवर्नर हाउस अलाउंस जो है वो भी जारी रहेगा। इस तरह सीएम स्पेशल अलाउंस जो दिया गया जिन मुलाजमीन और अफसरान को वो भी जारी रहेगा, उसकी कापी भी इनके साथ इनक्लोज्ड कर दी है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने और अकाउंटेंट जनरल पंजाब को जो इससे आगाह कर दिया है ताकि जो तनख्वाहों में इनको अलाउंसेस को शामिल किया जाए। तो ये थी तफसीलात, मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेकर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।